रायबरेली जिले के ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और फिर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस फोटो को गौर से देखिए, इसका नाम राम अभिलाख है। दरअसल जमीनी विवाद में राम अभिलाख व सुरेंद्र के परिजनों में कल मारपीट हुई जिसमें राम अभिलाख गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे CSC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया जहां जिला अस्पताल में राम अभिलाख की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए गांव पहुंची और घटना का जायजा लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। आपका क्या हुआ था, क्या विवाद हो गया था? साहेब जो ने जगह जमीन हमार जो बांस बांध दी ना अपने मुँह कब्जा कर रहे हैं कि बांस बल्ली ना बांध हो ही ना। अच्छा तो किसने मारा था? सूर्या। सर क्या हुआ फिर, अब क्या सूचना मिल रही है आपको, कहाँ भर्ती कराया गया था? सरकारी अस्पताल में ही जवाब हो गया, राय बराई ले गई। तो पुलिस में तहरीर दी थी आप लोगों ने? खत्म हो गए। बबली नाम है। अच्छा क्या हुआ था, कैसे क्या घटना हो गई थी? हमारे पापा ने बल्ली बांध के रखी थी, बस इसी में झगड़ा हुआ तो वो लोग मारने लगे। तो किसकी जमीन पे बांध के रखा था? हमारी जमीन है वो। तो क्या हुआ, वो क्यों झगड़ा करने लगे थे? वो कह रहे थे कि यहाँ से हटा, हम नहीं बांधने देंगे। तो जमीन किसकी थी वो? हमारी थी जमीन। तो जबरन कब्जा कर रहे थे क्या उस पे? जी। अच्छा तो कितने लोगों ने मारा पीटा था उनको? दो लोगों ने। अच्छा उनकी वाइफ ने भी मारा। अच्छा ज्यादा चोटें आई थी? जी ज्यादा चोट आई थी। ठीक तो क्या हुआ? सर अभी ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र का एक मामला है, क्या है पूरा? ऊंचाहर कोतवाली में फरीदपुर नामे का गांव है, वहां से कल रात थाने पर एक सूचना आई कि वहां पर एक व्यक्ति की जो है मारपीट, उसके साथ मारपीट की गई, इसकी हालत गंभीर है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस रेस्क्यू की और उसको घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी तहरीरी सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। अभी पता चला है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी जाहिरा चोट कोई नहीं है किंतु फिर भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के अनुसार फिर कार्रवाई किया जाएगी।